अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिफरेंट ब्रांड्स के कुछ शॉपिंग जो कि मैंने रिसेंटली की है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ रिपब्लिक वुमेन का ये सूट, ठीक है। रिपब्लिक वुमेन एक ऑनलाइन ब्रांड है, आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई आउटलेट भी है, बट यस मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो इसकी डिटेल्स और प्राइस सामने आ रही हैं, आप लोग देख सकते हो, मॉडल पिक्चर भी देख सकते हो। तो ये सूट है, इसे ओपन कर लिया है अच्छे से, इसको जो है वो हम देखते हैं। इसकी एम्ब्रॉयडरी कलर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एम्ब्रॉयडरी मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ ताकि देखने वाले को आइडिया हो जाए कि एम्ब्रॉयडरी किस तरह की है। काफ़ी नीट है और अच्छी है देखने में, तो सूट बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। आफ्टर वॉशिंग फिर ये कि ज़्यादा आपको समझ में आता है कि किस तरह से है, कलर निकला या नहीं निकला, एम्ब्रॉयडरी वॉश के दौरान में उसकी कंडीशन क्या रही। तो फिर ये तो फिर ये है कि जब आप लोग यूज़ किया करें तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताया करें कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। बाकी आप देख रहे हैं कि कितने ही ज़्यादा पैचेज़ हैं इसके साथ, सिल्क के भी पैचेस दिए हुए हैं और जो हैं वो लॉन के भी पैचेस दिए हुए हैं और गेंजा के भी पैचेस दिए हुए हैं। प्लेन इसके साथ ट्राउज़र है और दुपट्टा इन्होंने इसके साथ सिल्क का दिया हुआ है। ये है सिल्क में इसका प्रिंटेड जो है वो दुपट्टा, डिजिटल प्रिंटेड, ठीक है। सिल्क की क्वालिटी भी बेटर है, अच्छी है। तो ये है सूट रिपब्लिक वुमेन से, अगर कोई भी देखना चाहता हो तो देख सकता है, अभी भी शायद वेबसाइट पर आपको मिल जाए। तो ओवरऑल सूट अच्छा है, क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है इसकी। तो अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन अब मैं आपको दिखा रही हूँ ब्रीज़े के सूट, ठीक है। ये एम्ब्रॉयडर्ड वाले हैं, ठीक है। प्रिंटेड भी हम देखेंगे, अभी मैं आपको एम्ब्रॉयडर्ड दिखा रही हूँ। ये मैं पास से आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करवा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और कलर भी देखें कितना प्यारा है, स्काई ब्लू कलर है, बहुत ही प्यारा सा, जिसे हम फ्रोजी भी कलर कह सकते हैं, आइस ब्लू भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। उस पर देखें एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी हुई हुई है, और दुपट्टा शिफोन का उस पर भी ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ब्रीज़े काफ़ी पुराना ब्रांड है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर चुके हैं और करते भी हैं। जो लोग ब्रीज़े के कपड़े लेते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रीज़े से ही बाय करते हैं, तो उन लोगों को आइडिया है। और जिन लोगों को अगर नहीं पता और वो लोग देखना चाह रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स, तो ब्रीज़े बहुत अच्छा ब्रांड है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ऑफकोर्स प्राइसी होती है मगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसकी, ठीक है। अब ये लॉन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, पहला भी जो मैंने आपको दिखाया वो भी लॉन है और ये भी लॉन है, आप देख सकते हो कि ये एम्ब्रॉयडरी है, पता भी नहीं चल रहा है कितनी सॉफ्ट और मज़े की लग रही है एम्ब्रॉयडरी। कलर्स कितने अच्छे हैं, बहुत डिसेंट लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है ओवरऑल। और ये सारा जो अच्छा दुपट्टा है शिफोन का, इसके साथ भी ये देखें ये ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है। अब इनमें से जो भी स्टिच होकर आ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कुछ मैंने स्टिचिंग के लिए दिए हैं। ओके, सो अब हम आ गए हैं ब्रीज़े के जो प्रिंटेड वाले हैं, इसमें भी कुछ कुछ इन्होंने एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट तरह की एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्रिंट, देखें इसका आप कितना प्यारा है, ठीक है। ग्रीन और पिंक जो इसमें दिए गए हैं कलर्स, फ्लावर्स के और लीव्स के, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसके साथ भी है शिफॉन प्रिंटेड दुपट्टा, ठीक है। ये प्रिंटेड दुपट्टा, इसके अंदर एम्ब्रॉयड्री नहीं है। और प्लेन जो है वो इसके साथ ट्राउज़र दिया गया है। अब हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है कलमकार ब्रांड से, ठीक है। ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी डिटेल्स और मॉडल पिक्चर आप देख लें, ये सारी इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। और कलर भी देखें इसका, इसका भी आइस ब्लू कलर में है, ये बहुत प्यारा ऑफ वाइट, इसके साथ ट्राउज़र दिया हुआ है। नेक का पैच मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है। इस ये फ्रंट जो पैनल है पूरा, इसकी एम्ब्रॉयडरी आप देख लें, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। कलर्स भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं एम्ब्रॉयडरी में जो दिए गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा पिंक कलर दिया गया है एम्ब्रॉयडरी में, पिंक और ग्रीन। और ये काफ़ी डिसेंट सा प्यारा सा सूट है, इसमें भी देखें ये थोड़ी सी होल्स वगैरह हैं, मगर ऑब्वियसली आपको इसमें भी स्लिप लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप बताया करें कि कपड़े में स्लिप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं इनर। तो येस ऑफ कोर्स, इसमें जिसमें कुछ लोग नहीं भी लगवाते, मैंने एक्चुअली ख़ुद देखा है टेलर के पास कुछ लोगों को कपड़े देते हुए, और मैंने देखा था कि कपड़े में काफ़ी होल्स थे, मतलब इतने बड़े नहीं थे, इसी तरह इतने होल्स थे जैसे इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वो लेडी बोल रही थी कि उनको इनर की ज़रूरत नहीं है, बगैर इनर के बनवाएंगी। तो मतलब ये तो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो। और ऑब्वियसली जो बहुत बड़े बड़े होल्स वाले, जिस तरह हमारे यहाँ बीके हैं या फिर किसी भी और ब्रांड के जिसमें बहुत बड़े होल्स होते हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली आपको जो है वो नीचे इनर की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी ये कि इसके अलावा अगर होल्स वाली एम्ब्रॉयडरी नहीं भी है तो तब भी लोग इनर लगवाते हैं लाजमी, और ये आपकी चॉइस पे है कि आप लगवाना चाहते हैं नहीं। क्योंकि जो लॉन का थोड़ा सा ऐसा कलर होता है या थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, उसमें ज़रूरत ऐसा नहीं पड़ती है,
कुछ बहुत लाइट कलर होते हैं जिसमें ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ सी थ्रू भी होती है, जैसे कैसरिया के अक्सर कपड़े काफ़ी सी थ्रू होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक सॉफ्ट सी उनकी लॉन होती है और बहुत सी थ्रू होती है अक्सर, तो उसमें ये क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ ईच एंड एवरी थिंग कवर कर रही होती हूँ ताकि देखने वाले, परचेस करने वाले उनको समझ में आ जाए ये किस तरह से है, ठीक है। तो ये भी जो है वो कलमकार से मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन अगेन ब्रीजे से है, ये भी इनकी एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन में से है, ठीक है। इस पर भी एम्ब्रॉयड्री आप देख सकते हो, ब्लू कलर है और इसके ऊपर ये सारी एम्ब्रॉयड्री होगी। अच्छा, देखने में ये एम्ब्रॉयड्री आपको सिल्वर कलर में लग रही होगी मगर ये एम्ब्रॉयड्री गोल्डनिश कलर है इसका, ऐसे बहुत लाइट सा गोल्डन कलर है जो कि अभी देखने में ऐसे लगता है दूर से के मतलब जैसे ये सिल्वर हो मगर ये गोल्डन टच में है। ओके, तो दुपट्टा आप देख रहे हैं, आप दुपट्टे पे भी जो है वो शिफॉन दुपट्टा है, प्योर शिफॉन, इसके ऊपर एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ जल्दी से जो है मैं शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा रेडी टू वेयर कपड़ों का भी मैंने एक आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखी हुई है कि अगर आप लोगों को रेडी टू वेयर चाहिए, आप लोग टेलरिंग वगैरह इसमें नहीं पढ़ना चाहते, तो वो भी मैं आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस दिखाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट वन ये भी हमारे पास ब्रीजे से है और ये बहुत ही प्यारा, देखें इसका भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत क्यूट है और जो एम्ब्रॉयड्री के कलर्स हैं वो इसके ऊपर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, देखिए आप खुद बताएं। अच्छा, कमेंट ज़रूर क्या करें, अपने आप बताया करें कि आप लोगों को सूट कैसे लग रहे हैं, किसी भी सूट के बारे में, ब्रांड के बारे में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें ताकि बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर दुपट्टा भी मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी डिटेल से दिखा रही हूँ, ठीक है। और अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी होंगे ब्रीजे के जो सोल्ड आउट हो चुके हों मगर आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है इनकी जिस तरह की ऑनलाइन में पिक्चर्स होती हैं। ये कि ब्रीजे का ये होता है कि अगर आप स्टोर में जा कर विज़िट करके देख के लें तो वो ज़्यादा बेटर होता है, या फिर अगर आपने किसी की वीडियो में बहुत डिटेल में देखा जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, वहाँ से आपने पसंद किया तो ही आपको समझ में आता है, अदरवाइज़ पिक्चर्स में या इनकी वेबसाइट पर जाके आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इस बात से आप लोग एग्री करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, ये वाला भी आर्टिकल इनका ब्रीजे का है, मुझे बहुत ये अच्छा लगा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इसके साथ भी शिफॉन दुपट्टा, सारे शिफॉन दुपट्टे के साथ होते हैं। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ज़ाहा से है, ठीक है। ज़ाहा की ये कलेक्शन काफ़ी हिट गई थी और इसके मैंने ऑलमोस्ट सारे ही आर्टिकल्स बाय किए और आप लोगों को अपने शॉपिंग हॉल में दिखाए हैं, रिव्यू भी दिया है, बहुत सारे बैड कमेंट्स बैड रिव्यूज़ आ रहे थे कि इनके पैचेस वगैरह मिसिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने ये सारे ऑनलाइन ही परचेज़ किए हैं। ऑब्वियसली जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं उनके हर सिटी में जो है वो स्टोर्स नहीं होते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन ही परचेजिंग करनी पड़ती है ज़्यादातर। तो ये कि मेरे साथ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिसहैप नहीं हुआ है कि कोई पैच मिस हो, ठीक है। तो ये भी जो है वो ज़ाहा की कलेक्शन में से है, बहुत प्यारा सा ये भी आर्टिकल है, डिसेंट सा। तो इसे मैंने ओपन कर लिया, अब आप देख सकते हो फ्रंट पैनल है, इस पर ये सारी प्रिंटेड है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है। इसमें भी सारे पीसेज और पैचेस हैं, मेन है कि आप लोगों को मैं स्टफ़ बता दूं, ठीक है, लॉन स्टफ़ है और अच्छा स्टफ़ है इसका, और दुपट्टे का बता दूं और ये भी बता दूं कि इनर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इनर के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपकी अपनी चॉइस होती है, अब इसमें मुझे नहीं लगता इनर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये है कि अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, इतना भी ये पतला जो है वो कपड़ा नहीं है, ठीक है। प्लेन इसके साथ ट्राउज़र है, बाकी सारे पैचेस वगैरह हैं स्टिच होके, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शिफॉन का ये दुपट्टा है, बहुत ही लाइट सा कलर है इसका, देखिए आप, ये है जी शिफॉन में इसका दुपट्टा। ओके, सो जो आप में से जो लोग न्यू आए हैं और अभी अभी मेरे चैनल को देखना स्टार्ट किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मेरी हर वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, सबकी आप लोगों को शॉपिंग हॉल देखने मिलते हैं, स्टिचिंग आइडियाज़ देखने मिलते हैं, मैं अपने रिव्यूज़ भी देती हूँ और कुछ कुछ मैं आप लोगों के साथ स्टोर के न्यू कलेक्शन के सेल के विज़िट भी जो है वो शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को आई एम श्योर इससे बहुत फ़ायदा होता होगा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो अगेन ये अब हमारे पास ब्रीजे से आ गया है, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा प्रिंट है, देखें बेस कलर और ऊपर फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं इसके ऊपर पिंक में, ठीक है। प्लेन इसके साथ ट्राउज़र है और ये शर्ट पीस है, ये देखें कुछ इस तरह से। अच्छा, ये तो इनकी एम्ब्रॉयड्री है जो आप देख रहे हो, छोटे छोटे पैचेस से बने हुए हैं, ठीक है। और आई थिंक ये तिल्ला समथिंग कुछ इस तरह के बने हुए हैं, और ये इसके साथ शिफॉन का इसका दुपट्टा देखें आप, प्रिंटेड शिफॉन का दुपट्टा है, कलर सूट का बहुत अच्छा है,
स्टिच हो के ये बहुत प्यारा लगेगा। इंशाल्लाह आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी जैसे ही ये स्टिच होकर आएगा। और भी मज़ीद स्टिचिंग के आइडियाज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर करने हैं। कपड़े स्टिच होकर जो है वो काफ़ी आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, तो बस वीडियोज़ बनाने का इंतज़ार है जिसके लिए टाइम नहीं मिल पाता। और शदीद तरीन वाली गर्मी भी आ चुकी है, आप लोगों को तो आइडिया होगा जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, और जो लोग नहीं भी रहते हैं तो उन लोगों के भी रिलेटिव्स उनको पता चलता ही होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। सो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँ। जिन लोगों ने ईद के लिए शॉपिंग करनी है, अपने लिए समर के लिए शॉपिंग करनी हो, स्टिचिंग करवानी हो, तो उन लोगों को मेरे चैनल से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलती रहे। ओके, सो ये वाला आर्टिकल भी जो है वो कलमकार ब्रांड से है और इसको भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। आप इसका नेक पैच देख सकते हो, इसके अंदर होल्स हैं, ठीक है। और ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसके साथ इन्होंने इनर प्रोवाइड किया हुआ है, ये वाला, ये देखें, ये वाला जो इन्होंने पीस दिया हुआ है ये इनर के लिए है, ठीक है। तो ये स्टिच होकर भी आ गया, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये भी आर्टिकल बहुत अच्छा सा है, इसका भी प्रिंट अच्छा है। अच्छा, इनर बड़ा प्यारा लग रहा था जब वो नीचे से विजिबल हो रहा था, क्योंकि आई थिंक नेट, खादी नेट टाइप ये फैब्रिक है ना, तो उसके नीचे फिर इन्होंने ये वाला इनर खुद ही प्रोवाइड किया हुआ था। बाकी सारे पैचेज़ हैं, पीसेज हैं। तो जी, ये थी आज की शॉपिंग हॉल वीडियो। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल।